हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राकेश यादव रिप्रेजेंटिंग सांदीपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा। वी आर डिस्कसिंग क्लास 11th रिलेटेड चैप्टर फर्स्ट विच इज सेट्स एंड वी आर डिस्कसिंग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4। वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 8 अप टू 7th क्वेश्चन वी हैव डन इन आवर प्रीवियस पार्ट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। हमको यहाँ पर यह बताना है कि कौन से पेयर ऑफ सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट है। हमारे पास ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन क्वेश्चंस हैं। इसमें हमको ये चेक करना है कि ये इसमें से कौन सा सेट जो है वो डिसजॉइंट सेट को डिनोट करता है, कौन से सेट्स का पेयर जो है वो डिसजॉइंट सेट को डिनोट करता है। तो फर्स्ट वाले के लिए हमने ए को असाइन किया 1, 2, 3, 4, इसको हमने ए असाइन किया, ये हमने नाम दिया इसको ए। और b इज इक्वल टू, यहाँ पर बिल्कुल साफ दिख रहा है, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, 4 लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 6, मीन्स 4, 5, 6 हमको लिखना है क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन भी है। अगर इक्वल टू नहीं होता तो सिर्फ 5 आता इसमें, अगर दोनों साइड इक्वल टू नहीं होता तो सिर्फ 5 आता, लेकिन चूंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी है तो 4, 5 और 6 ये तीनों एलिमेंट हमको लिखना पड़ेंगे। तो 4, 5, 6, अब यहाँ पर हम सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मीन्स इसमें जो कोई एलिमेंट इसमें भी है और इसमें भी है उस एलिमेंट को लिखेंगे। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सेट ए और सेट बी दोनों में है, इधर देखिए 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 4, 5, 6, तो 4 इज द ओनली एलिमेंट, 4 वो एलिमेंट है जो ए और बी दोनों में है। तो मतलब यहाँ पर 4 आया विच इज नॉट इक्वल टू 5, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। अगर ये 5 के बराबर हो जाता, अगर ये 5 के बराबर हो जाता मीन्स यहां पर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होता जो दोनों में होता, तब हम इसको बोलते डिसजॉइंट। तो अभी हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ए एंड बी आर, ए एंड बी बोथ शोज दैट इट इज नॉट अ पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। यहां हमने क्या कंक्लूड किया कि ए एंड बी बोथ शोज दैट इट इज नॉट अ पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट्स, कि ये डिसजॉइंट सेट्स का पेयर नहीं है। अब ये वाले क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले ए असाइन कर लेंगे, ए ई आई ओ यू, और बी को असाइन करेंगे सी डी ई एफ, क्योंकि यहां तो क्लियर दे रखा है। तो अब इस केस में हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो यहां पर ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इसमें भी है और इसमें भी है, एक ऐसा एलिमेंट है ई जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहां पर भी एक एलिमेंट आ गया एक या उससे ज्यादा कुछ भी एलिमेंट अगर आते हैं तो ये फिर डिसजॉइंट सेट का पेयर नहीं होगा। जैसा कि इसमें हुआ, इसमें भी एक एलिमेंट आ गया था, ऐसा एक या उससे ज्यादा एलिमेंट्स अगर ऐसे आ जाते हैं जो दोनों में कॉमन है तो उसको हम बोलेंगे कि ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। और अगर ये 5 के बराबर आ जाता, मतलब इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तब हम लिखते हैं कि इट इज अ पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट। तो अब यहां पर भी ई आ गया, मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है नॉट इक्वल टू 5 हुआ, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, देयरफॉर ए एंड बी शोज, सॉरी यहां शो आएगा, ए एंड बी शो दैट इट इज नॉट अ पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, तो हम यहां पर a इज इक्वल टू इवन इंटीजर कौन से होते हैं, 2
फोर सिक्स एट डैश डैश डैश, ये इवन इंटीजर होगा। मीन्स इसमें जो टू के टेबल में जो डिजिट्स आती हैं उनको हम बोलते हैं इवन इंटीजर्स। और b इज इक्वल टू, यहाँ हम लिखेंगे x इज सच दैट x इज एन ऑड इंटीजर। x कैसा इंटीजर है? ऑड इंटीजर है। तो ऑड इंटीजर किसको बोलते हैं? वन थ्री फाइव सेवन, ये सब ऑड इंटीजर्स हैं। तो जब इवन और ऑड इंटीजर्स को हमने देखा तो क्या इसमें दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट मिलता है? नहीं मिलता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव। मीन्स ऐसा कोई भी एलिमेंट, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, मीन्स ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन है। तो अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों में है तो फिर उस केस में हम क्या लिखेंगे? बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, देयरफॉर ए एंड बी रिप्रेजेंट पेयर ऑफ या शो भी लिख सकते हैं, ए एंड बी शो पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स मतलब ए और बी मिलकर के डिसजॉइंट सेट्स का पेयर बनाते हैं। मींस हमारा आंसर यहां पर थर्ड होगा। मतलब थर्ड, हमारा कंक्लूजन क्या हुआ कि थर्ड इज शोइंग द सेट्स ऑफ द पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। सो दिस क्वेश्चन इज ओवर। नाउ सी अवर क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। इफ सेट ए इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, सेट बी इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16, 20, सेट सी इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सेट डी इज इक्वल टू 5, 10, 15, 20, देन फाइंड। आपको क्या पता करना है? ये सारी वैल्यूज निकालनी है आपको, ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी, बी माइनस ए, सी माइनस ए एंड डी माइनस ए। ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको माइनस का एक कंसेप्ट बताता हूँ कि जैसे सपोज हम ए माइनस बी लिख रहे हैं तो हमको ए के वो सारे एलिमेंट्स लिखना है जो बी में नहीं है। ए के वो सारे एलिमेंट्स लिखना है जो बी में नहीं है, वो बाकी के बचे हुए सारे एलिमेंट्स हमको लिखना होंगे। जैसे सपोज ए माइनस बी हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 3 बी में नहीं है, 6 बी में नहीं है, 9 बी में नहीं है तो इसको लिखना है, फिर 12 बी में है तो इसको नहीं लिखना है। 12 जो है बी में है, दैट्स वाई वी विल नॉट हैव टू राइट दिस 12। 15 वो हमको लिखना है बिकॉज 15 बी में नहीं है। 18 भी बी में नहीं है। इसके बाद 21 भी बी में नहीं है। तो इसका आंसर ये होगा 3, 6, 9, 15, 18, 21। मैं आपको फिर से बताता हूँ, हम a माइनस बी में क्या कैलकुलेट करते हैं? व्हाट वी हैव टू राइट इन a माइनस बी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट प्रेजेंट इन b। हमको वो सारे एलिमेंट्स लिखना होते हैं a के जो b में प्रेजेंट नहीं होते। अगेन आई एम टेलिंग, हमको a माइनस बी में a के वो सारे एलिमेंट्स लिखना होते हैं जो b में नहीं है। ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ a विच वी हैव टू राइट विच आर नॉट प्रेजेंट इन b, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट प्रेजेंट इन b इज नोन एज a माइनस बी। इस टाइप से हम a माइनस बी कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही हमको a माइनस सी कैलकुलेट करना है तो हमको a के वो सारे एलिमेंट्स लिखना होंगे जो c में नहीं है। All those elements of A we have to write which are not present in C. 3 C में present नहीं है, 6 C में present है तो 6 को नहीं लिख सकते, 9 C में present नहीं है, 12 C में present है तो ये नहीं लिख सकते, फिर उसके बाद में 15 लिख सकते हैं क्योंकि 15 C में present नहीं है, 18 भी लिख सकते हैं क्योंकि 18 सी में प्रेजेंट नहीं है, उसके बाद में 21। तो ये हमने a माइनस सी कैलकुलेट किया। इसके बाद में a माइनस डी देखिए, मींस हमको अब a के वो सारे एलिमेंट्स लिखना होंगे जो d में नहीं है। एक बार मैं आपको a माइनस सी पहले फिर से बता देता हूं, हमको a के वो सारे एलिमेंट्स लिखना थे जो c में नहीं है।
हियर वी हैव टू राइट ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन सी. तो हमने थ्री देखा, थ्री को चेक किया, वी हैव चेक्ड थ्री, थ्री इज नॉट प्रेजेंट इन सी, दैट्स वाई इट मे बी रिटर्न. सिक्स इज प्रेजेंट इन सी, सो इट इज नॉट रिटर्न. नाइन इज नॉट प्रेजेंट इन सी, सो वी हैव टू राइट इट. फिफ्टीन इज नॉट प्रेजेंट, ट्वेल्व इज प्रेजेंट, सो ट्वेल्व नॉट वी हैव टू राइट, एंड फिफ्टीन वी हैव टू राइट. एटीन इज नॉट प्रेजेंट इन सी, सो वी हैव टू राइट, एंड ट्वेंटी वन इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन सी, सो दैट ऑल्सो वी हैव टू राइट. सो हियर इट इज थ्री, नाइन, फिफ्टीन, एटीन, ट्वेंटी वन. अब ए माइनस डी में हम ए के वो सारे एलिमेंट्स लिखेंगे जो डी में प्रेजेंट नहीं है. तो सबसे पहले थ्री जो डी में प्रेजेंट नहीं है, सिक्स भी डी में प्रेजेंट नहीं है, नाइन भी डी में प्रेजेंट नहीं है, ट्वेल्व ऑल्सो नॉट सिचुएटेड इन डी, फिफ्टीन इज सिचुएटेड इन डी. तो फिफ्टीन हम नहीं लिख सकते क्योंकि 15 डी में प्रेजेंट है. फिर 18 हम लिख सकते हैं क्योंकि 18 डी में प्रेजेंट नहीं है. 21 भी हम लिख सकते हैं क्योंकि वो डी में प्रेजेंट नहीं है. तो इस तरीके से हमने ए माइनस डी कैलकुलेट किया. अगेन आई एम टेलिंग इट, हियर वी हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन डी. सो 3 इज नॉट प्रेजेंट इन डी, वी हैव टू राइट. 6 इज नॉट प्रेजेंट इन डी, वी हैव टू राइट. 9 is not present in D, that also we have to write. 12 is not present in D, this also we have written here only. And 15 is present in D, that's why we have not written it. 15 is present in D, that's why we are not writing 15. 18 is not present in D, we have to write. And 21 is not present in D, we have to write. So A minus D is over. Now B minus A. हमको अब बी के वो सारे एलिमेंट्स लिखना है जो ए में प्रेजेंट नहीं है. 4 ए में प्रेजेंट नहीं है, 8 ए में प्रेजेंट नहीं है, 12 ए में प्रेजेंट है, 12 ए में प्रेजेंट है तो हम 12 नहीं लिख सकते, 16 ए में प्रेजेंट नहीं है, 20 ए में प्रेजेंट नहीं है. तो यहां हमने बी के वो सारे एलिमेंट्स लिखे जो ए में प्रेजेंट नहीं है. हियर वी हैव रिटन ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए. सो 4 इज नॉट प्रेजेंट इन ए, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन. 8 इज नॉट प्रेजेंट इन ए, दैट आल्सो वी हैव रिटन. 12 इज प्रेजेंट इन ए, वी हैव नॉट रिटन इट. 16 इज नॉट प्रेजेंट इन ए, वी हैव रिटन. एंड 20 इज नॉट प्रेजेंट इन ए, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन 20 आल्सो. सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो ओवर. नाउ सी फिफ्थ क्वेश्चन. C माइनस ए मीन्स वी हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ C. हमको C के वो सारे एलिमेंट्स लिखना पड़ेंगे विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन A. हमको C के वो सारे एलिमेंट्स लिखना होंगे जो A में नहीं है. तो 2 हम लिखेंगे क्योंकि 2 A में प्रेजेंट नहीं है. 4 ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन A. 6 इज प्रेजेंट इन A, तो 6 हम नहीं लिखेंगे. 8 हम लिखेंगे क्योंकि 8 ए में प्रेजेंट नहीं है. 10 हम लिखेंगे क्योंकि वो भी ए में प्रेजेंट नहीं है. 12 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 12 इज प्रेजेंट इन ए. 14 दैट ऑल्सो वी हैव टू राइट बिकॉज इट इज नॉट प्रेजेंट इन ए. 16 वी हैव टू राइट बिकॉज इट इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन ए. सो दिस सी माइनस ए इज ऑल्सो ओवर. नाउ सी डी माइनस ए. अब हमको D माइनस ए कैलकुलेट करना है. मीन्स हमको D के वो सारे एलिमेंट्स लिखना है जो A में प्रेजेंट नहीं है. तो आप देखिए, मैं आपको इसका सीधा पैटर्न बताता हूँ. 5, 10 A में प्रेजेंट नहीं है. 15 प्रेजेंट है तो 15 नहीं लिखेंगे. 20 फिर प्रेजेंट नहीं है तो 20 लिख देंगे. मीन्स हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5, 10, 20. 5, 10, 20. इट इज़ क्लियर दैट 15 इज प्रेजेंट इन D also and A also. तो इसलिए हमने 15 को नहीं लिखा, 5, 10 और 20 को लिखा क्योंकि हम D माइनस A कैलकुलेट कर रहे थे. तो हमने D के वो सारे एलिमेंट्स लिखे जो A में प्रेजेंट नहीं थे. तो इस तरीके से ये हमारे फर्स्ट 6 क्वेश्चंस इसके कंप्लीट हो गए. हियर वी हैव टू कैलकुलेट नाउ 7th B माइनस C. वी हैव टू फाइंड B माइनस C. इन 8th B माइनस D. इन 9th C माइनस B. इन 10th D माइनस B. In 11th C minus D and in 12th D minus C.
वैसे ही हमको ये आगे के जो बी माइनस सी बी माइनस डी ये कैलकुलेट करेंगे हम, तो अगेन दैट कंसेप्ट इज एप्लीकेबल। बी माइनस सी कैलकुलेट करेंगे तो बी के वो सारे एलिमेंट्स लिखेंगे जो सी में नहीं है, तो फोर सी में है, फोर सी में है, एट भी सी में है, ट्वेल्व भी सी में है, सिक्सटीन भी सी में है, तो ये चारों एलिमेंट्स तो हम लिख नहीं सकते। केवल ट्वेंटी एक ऐसा एलिमेंट है जो सी में नहीं है, तो इसका आंसर होगा केवल ट्वेंटी। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन इंग्लिश, वी हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट प्रेजेंट इन सी। फोर इज प्रेजेंट इन सी, वी हैव नॉट रिटन। एट इज प्रेजेंट इन सी, वी हैव नॉट रिटन। 12 is present in C, we have not written. 16 also we have not written. But 20 is the only element which is not present in C, but it is present in B. हमको B के वो सारे elements लिखना थे जो C में नहीं है, तो B का केवल एक ही ऐसा element है जो C में नहीं था, वो था 20. तो इसका answer हो जाएगा 20. इसी type से हमको अब B minus D calculate करना है। तो b माइनस डी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो b के वो सारे एलिमेंट्स लिखेंगे जो d में प्रेजेंट नहीं है। तो आप देखिए 4 d में प्रेजेंट नहीं है, 8 भी d में प्रेजेंट नहीं है, 12 ऑल्सो इज नॉट प्रेजेंट इन d, 12 भी d में प्रेजेंट नहीं है, उसके बाद 16 भी d में प्रेजेंट नहीं है, 20 d में प्रेजेंट है, तो 20 हम नहीं लिख सकते। हमने B के वो सारे एलिमेंट्स लिख दिए यहाँ पर जो D में प्रेजेंट नहीं थे, तो 20 एक ऐसा एलिमेंट था जो B और D दोनों में प्रेजेंट था, तो वो हमने इसमें नहीं इंक्लूड किया, 20 को हमने नहीं लिखा। रिमेनिंग ऑल द एलिमेंट्स वी हैव रिटन। C माइनस बी में हम C के वो सारे एलिमेंट्स लिखेंगे जो B में नहीं है, तो 2 को देखें हम, 2 बी में नहीं है, 4 बी में है तो 4 नहीं लिख सकते, 6 लिख सकते हैं क्योंकि 6 बी में नहीं है तो 6 हम लिख सकते हैं, 8 बी में है तो 8 हम नहीं लिख सकते, 10 हम लिख सकते हैं क्योंकि 10 बी में प्रेजेंट नहीं है, 12 बी में प्रेजेंट है तो 12 नहीं लिख सकते हैं, 14 हम लिख सकते हैं बिकॉज 14 इज नॉट प्रेजेंट इन बी, 14 बी में प्रेजेंट नहीं है, 16 हम नहीं लिख सकते क्योंकि 16 भी B में प्रेजेंट है, तो ये इसका C माइनस B का कैलकुलेशन हो गया। मींस हमने वी हैव रिटन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ C विच आर नॉट प्रेजेंट इन B, सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ C विच आर नॉट प्रेजेंट इन B दैट इज 2 इज नॉट प्रेजेंट इन B, 4 इज प्रेजेंट इन B वी हैव नॉट रिटन, 6 इज नॉट प्रेजेंट इन B, 6 वी हैव रिटन, 8 इज प्रेजेंट इन B, we have not written. 10 is not present in B, we have written. 12 is present in B, we have not written. 14 is not present in B, so 14 we have written. 16 again is present in B, we have not written 16. तो इस टाइप से हमने C minus B कैलकुलेट किया। अब हम D minus B कैलकुलेट करेंगे। D minus B में हम D के वो सारे एलिमेंट्स लिखेंगे जो B में प्रेजेंट नहीं है, तो D में 5, check it, 5 is present in B, not present. So, 5 वो एलिमेंट है जो B में प्रेजेंट नहीं था, तो इसलिए हमने 5 लिख दिया। इसके बाद में 10 भी B में प्रेजेंट नहीं है, 10 also we have to write. 15 is also not present in B, 15 भी B में प्रेजेंट नहीं है, तो 15 हमने लिख दिया। 20 एक ऐसा एलिमेंट है जो B में था, तो 20 को हम नहीं लिख सकते। 5, 10, 15 इसका आंसर हो गया D माइनस बी का। इसी टाइप से हम अब C माइनस डी कैलकुलेट करेंगे। मीन्स C माइनस डी में हम वो सारे एलिमेंट्स C के लिखेंगे जो D में प्रेजेंट नहीं है। इन C माइनस डी वी हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ C विच आर नॉट प्रेजेंट इन D। तो 2 को चेक करते हैं, 2 इज नॉट प्रेजेंट इन D, 4 is also not present in D, 6 is also not present in D, 8 is also not present, 10 is present, 10 we can't write, 10 D में present है, तो इसलिए 10 को हम नहीं लिख सकते। फिर 12 देखिए,
12 डी में प्रेजेंट नहीं है तो 12 को हम लिख सकते हैं। 14 भी डी में प्रेजेंट नहीं है तो 14 डी में प्रेजेंट नहीं है तो हम लिख सकते हैं। 16 इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन डी तो हम 16 भी यहां पर लिख सकते हैं। मीन्स केवल सी का एक ही ऐसा एलिमेंट था जो डी में प्रेजेंट था, वो था 10, तो हमने 10 नहीं लिखा, बाकी के सी के सारे एलिमेंट्स हमने लिख दिए। 10 इज द ओनली एलिमेंट विच इज सिचुएटेड इन डी, दैट्स वाई वी हैव नॉट रिटन 10, ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ सी वी हैव रिटन हियर, सो इट इज सी माइनस डी। नाउ चेक डी माइनस सी, हियर वी हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डी, हमको डी के वो सारे एलिमेंट्स लिखना होंगे जो सी में प्रेजेंट नहीं है। तो डी के अंदर 5 है जो इसमें सी में प्रेजेंट नहीं है, 10 भी ऐसा एलिमेंट है नहीं, 10 ऐसा एलिमेंट नहीं है क्योंकि 10 सी में प्रेजेंट है तो 10 हम नहीं लिख सकते। 15 हम लिख सकते हैं क्योंकि 15 जो है सी में प्रेजेंट नहीं है। 20 भी सी में प्रेजेंट नहीं है तो 20 भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमने इस टाइप से डी माइनस सी कैलकुलेट किया, जिसमें हमने डी के वो सारे एलिमेंट्स लिखे जो सी में प्रेजेंट नहीं थे। इन डी माइनस सी वी हैव रिटन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डी विच आर नॉट प्रेजेंट इन सी, दोज एलिमेंट्स आर 5 बिकॉज 5 इज नॉट प्रेजेंट इन सी, 15 इज नॉट प्रेजेंट इन सी बट 10 इज प्रेजेंट, दैट्स वाई वी हैव नॉट रिटन 10, 20 इज प्रेजेंट इन डी बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन सी, दैट्स वाई वी हैव रिटन 20 ऑल्सो। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू फाइंडिंग द डिफरेंस ऑफ द सेट्स वी कैन से। तो हम जब भी किसी सेट का डिफरेंस निकालते हैं तो हमको जो आगे लिखा होता है उसके सारे वो एलिमेंट्स लिखना होते हैं जो कि बाद वाले सेट के अंदर नहीं होते हैं। यही इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, इसके अलावा इसमें कोई और सोचने की बात नहीं होती। सो दिस क्वेश्चन नंबर 9 इज ओवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट टिल लास्ट and subscribe our channel Sandipani Higher Secondary School Rajoda, like it and share it as much as possible.